साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्रज्ञा के एक नए वीडियो में। आज मैंने नर्सरी से कुछ पुष्पीय पौधे और कुछ सजावटी पौधे, साथ ही मैंने फलदार पौधे भी क्रय किए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर और स्वस्थ पौधे हैं, अभी इनमें कलियाँ भी खिल रही हैं। जब यह पौधे खरीदते हैं तो पुष्पीय पौधों में अधिक शाखाओं वाली पौधों को खरीदें, साथ ही स्वस्थ और ताज़े पत्तों वाले पौधों को खरीदना चाहिए। मेरे मित्र ने भी कई सारे पुष्पीय पौधे खरीदे हैं, जैसे जूही, अलमांडा, कृष्ण कमल तथा अन्य कुछ पौधे हैं। इन पौधों में अधिकांश लता वाले पुष्पीय पौधे हैं। इनका प्रत्येक का मूल्य 50-50 रुपये है। हम कुछ अन्य पौधे भी खरीदने वाले हैं, अतः आप इस सुंदर वाटिका का दृश्यों का आनंद लीजिए। इन पौधों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है चरबेरा के पुष्प। ये बीजों से उगाए जा सकते हैं, साथ ही विभाजित करके इनके कई सारे पौधे बनाए जाते हैं। इसे मैंने मात्र 60 रुपये में खरीदे हैं। यह है स्पाइडर प्लांट, जिसे मैक्सिकन ग्रास भी कहा जाता है। इसका मूल्य भी 60 रुपये है। यह टेबल कामिनी के सुंदर पौधे हैं। इनको अनेक प्रकार की आकृति दे करके फूलों से भी अधिक सुंदर बनाया जाता है। ये काफ़ी लोकप्रिय पौधे हैं। इसका कीमत है 50 रुपये। यह बेगोनिया का पुष्पी पौधा है। यह शीत ऋतु में ढेर सारे पुष्प देने वाले छोटे आकार के पुष्पी पौधे हैं। आप देख सकते हैं इन्हें अभी कुछ दिन पूर्व ही लगाया गया है। इसे मात्र 30 रुपये में मैंने क्रय किया है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ फलदार पौधे भी यहाँ पर खरीदे हैं। ये अंजीर के पौधे हैं। अंजीर के सूखे मेवे काफ़ी अधिक लोकप्रिय हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी प्रति इकाई 150 रुपये में मैंने क्रय किया है। यह जूही का पौधा है। इसमें श्वेत रंग के सुगंधित पुष्प खिलते हैं। यह बेलयुक्त सुंदर पुष्पी पौधा है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई है। ये किसी सहारे के सहायता से बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ते हैं और हमारे बालकनी, छत, हमारे प्रवेश द्वार को काफ़ी अधिक सुंदर फूलों से भर देते हैं। इसे मैंने 60 रुपये में प्राप्त किया है। ये दो अलग अलग रंग के संकर किस्म के गुड़हल के पौधे हैं। आप देख सकते हैं इसमें पीले रंग का पुष्प खिला हुआ है, साथ ही इसकी पत्ती उससे अलग दिख रही है। इन पौधों को सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक प्रिय होता है। इन्हें उत्तम जल निकासी युक्त तथा भरपूर खाद युक्त मिट्टी में लगाना चाहिए। हालांकि इसकी पत्तियों में कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसमें हम नीम तेल का छिड़काव कर इसे आसानी से स्वस्थ कर सकते हैं। इसकी कटिंग से हम आसानी से कई पौधे उगा सकते हैं। इसकी प्रति इकाई मूल्य 50 रुपये लिया गया है। इसमें खिला हुआ पुष्प मुझे काफ़ी अधिक पसंद आया, साथ ही इसमें कई सारी कलियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई सारी कलियां बनी हैं। इसमें पुष्प बड़े आकार में खिलेंगे, अतः मैंने इस पौधे को क्रय कर लिया। निश्चित रूप से इसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। ये पौधे धूप में अधिक चलते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ पुष्पी पौधे, कुछ इंडोर सजावटी पौधे तो कुछ फलदार पौधे क्रय किए हैं। इनमें से आपको कौन सा पौधा अच्छा लगा है टिप्पणी कर जरूर बताइए। हमारे साथ नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए, खुश रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।